देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये तीन टॉपिक्स लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। पहला चीज क्या पढ़ाया गया था, त्रिभुज के सर्वान समता के आरएचएस प्रतिबंध वाले नियम। दूसरा, बहुभुज यानी पॉलीगन क्या होता है, और बहुभुज में बाह्य और अंतःकोण के योग के माप पूछे गए, मापों के योग पढ़ाए गए थे, है ना। एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आरएचएस प्रतिबंध में ये बताया कि ये प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज में ही लगेंगे। और क्या बताया गया था कि होता क्या है, अगर कोई दो समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करते हैं, दो अगर समकोण त्रिभुज है तो आर लिख लिया, है ना। उसके बाद अगर दो समकोण त्रिभुज आपको दिए गए हैं, अगर उनके कर्ण भी बराबर है, अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों त्रिभुज के कर्ण भी बराबर है यानी हाइपोटनिस बराबर है, तो मैं एक एच लिख दिया। अब कर्ण को छोड़कर कोई भुजा भी अगर मुझे बराबर दिख गई ये दोनों त्रिभुज में, तो कहेंगे आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशन है। मतलब एक संक्षेप में क्या बोला जा सकता है कि आरएचएस प्रतिबंध क्या करता है, अगर कोई दो समकोण त्रिभुज में उनके कर्ण और कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर है तो ये दोनों सर्वांशन होंगे आरएचएस प्रतिबंध से, ठीक है। दूसरा चीज, बहुभुज पढ़ाया गया था तो ये बताया गया कोई भी आकृति जो बंद होनी चाहिए, बंद आकृति के बारे में बोला था, बंद आकृति होनी चाहिए, रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई चाहिए, होनी चाहिए, और तीन या तीन से अधिक भुजा होनी चाहिए। तीन या तीन से अधिक इसलिए क्योंकि दो भुजा से आप बंद आकृति नहीं बना सकते, तो कम से कम तीन भुजा आपको चाहिए बंद आकृति बनाने के लिए। तो तीन या तीन से अधिक भुजा से बंद आकृति अगर बनी रहेगी रेखाखंड से मिलकर तो उसे क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, वृत्त को हम लोग बहुभुज नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और अगर मैं इस तरीके से कोई चित्र बना दूंगा तो इसे बहुभुज नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों जो रेखाखंड है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे भी बहुभुज नहीं कहेंगे, है ना। ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास। अब बाह्य कोण और अंतःकोण की बात करते हैं, तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे भुजाओं की संख्या 5 हो, भुजा की संख्या 10 हो, या भुजा की संख्या 50 हो, है ना। तो बाह्य कोण के योग हमेशा 360 होते हैं, लेकिन अंतःकोण के योग के लिए फॉर्मूला क्या था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, जहां पर एन क्या है आप लोग बताओ, एन क्या था, चैट में लिखकर बताओ, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री में एन क्या था। पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि एन क्या होता है, इस फॉर्मूला में एन क्या है, भुजा की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड, है ना, भुजा या साइड की संख्या, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पंचभुज, तो पंचभुज के लिए एन का मान कितना होगा ये बताओ, पंचभुज में एन का मान कितना होगा, तो पंचभुज में एन का मान 5 होगा क्योंकि 5 भुजा है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ चतुर्भुज तो एन का मान 4 होगा, तो जितनी भुजाएं एन का मान उतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें पढ़ाई गई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। इतना आप सभी को याद है या नहीं जल्दी से बताओ, वाई एन, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, है ना। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि षटभुज में अगर मैं किसी षटभुज के सभी अंतःकोणों को जोड़ दूं तो उसका मान कितना होगा। तो किसी षटभुज के सभी अंतःकोणों को योग बताएं, तो किसी षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताएं। देखो षटभुज अगर है तो उसमें भुजा की संख्या कितनी होगी, एन का मान कितना होगा, और ये फॉर्मूला कौन सा आप यूज करोगे, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के, किसी षटभुज के अंतःकोणों के योग के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। अभी अभी ये फॉर्मूला मैंने रिवीजन करवाते हुए बताई थी, है ना। तो
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस इनका मान डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर जरूर करेंगे, ठीक है? अभी जितने बच्चे हो सभी लोग के आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे अभी हो यहाँ पर, आंसर जरूर करेंगे। सही आंसर हो या गलत हो, ट्राई जरूर करना है सभी को। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए। आप आंसर देते हो तो मुझे पता चल जाता है, जल्दी से आंसर जरूर करेंगे। चलिए 5 सेकंड और रुक रहे, आखिरी 5 सेकंड, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? अब पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और अब कोई डाउट होगा तो आप चैट में भी लिख सकते हो, और चैट में आप आंसर भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखें, षटभुज के सभी अंतःकोणों के योग कितने होंगे? तो अंतःकोण के योग का क्या फॉर्मूला है? तो अंतःकोण के योग का फॉर्मूला क्या था? n-2 × 180°। यही तो अभी अभी आपको बताया गया था, रिवीजन करवाते हुए मैंने अभी बताया कि ये चीज आपको पढ़ाई गई थी लास्ट क्लास। अब n का मान कितना होगा? षटभुज है तो षटभुज का मतलब ऐसा कोई बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाएं है तो n का मान कितना होगा? 6 होगा। तो इस वाले फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, बस आपको n का मान रख देना है। तो जैसे ही आप n का मान रखोगे तो 6-2 × 180°, यानी 4 × 180°, तो आंसर कितना होगा? 720°। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 720°। ये समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान था, है ना? तो अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको n का मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां बोलता सप्तभुज तो n का मान बस 7 रख दो, आंसर आ जाएगा। अष्टभुज बोलू तो n का मान 8 रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना? तो आपको बस देखना है भुजा की संख्या कितनी है, ठीक है? चलिए, ये सभी लोग समझ गए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज के फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? तो नाम से ही आपको इतना तो पता चल गया होगा कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। चैट में लिखकर बताओ, किसी भी चतुर्भुज में कितनी भुजा होगी? किसी भी चतुर्भुज में कितनी भुजा होगी? 4 भुजा होगी। ये तो काफी आसान है, चतुर्भुज, है ना? ये तो आपको पहले से भी पता होना चाहिए। तो क्या लिख रखा है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि बंद आकृति होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये आकृति क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, है ना? अगर मैं इस तरीके से कोई चित्र बनाऊ, ये बताओ बहुभुज चतुर्भुज है या नहीं? चतुर्भुज है या नहीं? यस या नो? बिल्कुल, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है? यहां पर आप अगर काउंट करोगे तो बोलोगे 1, 2, 3, 4 भुजा तो है, 4 भुजा तो जरूर है, लेकिन ये खुली आकृति है, बंद आकृति नहीं है, इसलिए अब चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो बंद आकृति होनी जरूरी है। चलो, अब ये बताओगे, अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दू तो यह चतुर्भुज है या नहीं है? अगर मैं इसका नाम दे दू ABCD, तो यह चतुर्भुज है या नहीं है? देखो, इसको क्या कहूंगा, अगर मैं इसे ध्यान से देखू तो कहूंगा 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो पहले तो मुझे दिख रही है 4 भुजा मिल गई। ध्यान से देखिएगा, जिसके आंसर वाई थे या एन थे, सभी लोग, अब चैट में कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से देखो, 4 भुजा है, ठीक है? पहले चीज मुझे मिल गई 4 भुजा है। उसके बाद देखो बंद आकृति है या नहीं, तो हाँ बंद आकृति भी है, ठीक है? ये रेखा खंडों से मिलकर बनी है कि नहीं? हाँ, ये तो रेखा खंडों से मिलकर बनी है ना, ABBC CD और AD, सभी के सभी एक रेखा है, है ना? तो क्या कहेंगे? यह एक चतुर्भुज है ना? तो ABCD क्या है? यह एक चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है? अब समझ गए आप लोग, इसे क्या कहोगे? चतुर्भुज कहोगे, है ना? चलिए,
अब आपके पास यहां पर जो भी आकृति दिख रही है, एक दो तीन, ये सभी के सभी क्या है, चतुर्भुज है, क्योंकि आपको दिख रही होगी ये सभी के सभी क्या है, बंद आकृति है, सभी में चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा चार भुजाएं है ना, तो चार भुजाएं है तो सभी के सभी क्या है, चतुर्भुज है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारा चतुर्भुज बस सिर्फ इसी तरीके का दिखेगा, है ना, चतुर्भुज किसी भी तरीके का दिख सकता है, इस तरीके से ये सभी के सभी क्या है, चतुर्भुज कहलाएंगे। ये समझ में आ गया सभी को? अब देखो चतुर्भुज में और क्या क्या चीज आपको जानना है। जब बहुभुज आप सभी को पढ़ाया जा रहा था तो आप लोग ये बताओ, ये बताया गया या नहीं कि किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, शीर्षों की संख्या और कोणों की संख्या बराबर होती है? ये पढ़ाया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए, आया ना? ठीक है, तो ये बताया था ना कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, शीर्षों की संख्या और कोणों की संख्या बराबर होती है। शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होती है, कोण क्या होता है, ये आपने त्रिभुज में भी पढ़ा, बहुभुज में भी पढ़ा, उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस चतुर्भुज में चार शीर्ष है ना, शीर्ष क्या होते हैं आपको पता है, चार शीर्ष है। ठीक है, अगर चार शीर्ष है तो कोण कितने होंगे, सभी शीर्षों पे एक एक कोण बनेगा, है ना, सभी शीर्ष पे एक एक कोण बनेगा, तो कोण भी चार ही होंगे। ठीक है, अगर चार शीर्ष है तो चार कोण होंगे, और अगर चार कोण है तो भुजा कितने होंगे, भुजा भी चार ही होगी, तो भुजा भी कितनी है, चार है। तो देखो यहाँ पर भुजा एक, भुजा दो, भुजा तीन, भुजा चार, तो चार भुजा, चार शीर्ष और चार कोण होगा। अच्छा आप इसे नाम कैसे देते हो, लिखोगे कैसे? अगर मैं यहां पर लिख दूं ए बी सी डी, यह इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए आपको जानना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि सभी शीर्षों को लिखो, तो आप बस इसके अल्फाबेट्स को लिखोगे, ए बी सी डी ऐसे आप लिखोगे, तो ये शीर्ष हो गए। अगर मैं इसके कोण लिखने के लिए आपसे बोल रहा हूं, कोण या एंगल, तो कोण या एंगल कैसे लिखोगे, आपको ये एंगल का सिंबल लगाना जरूरी है। आप अगर सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो कोण जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अगर सिर्फ ए लिखते हो तो यह कोण ए को नहीं दिखाता, यह शीर्ष ए को दिखाता है। अब भुजा, भुजा अगर लिखने बोली जाए, एक भुजा मुझे ए बी दिख रही है, दूसरी बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, तो भुजा को मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई, ये काफी आसान था। इतना सारा चीज समझ में आया या नहीं आया, मतलब अब तक क्या पढ़ाया गया, अब तक बस इतना बताया गया कि किसी भी चतुर्भुज को आप पहचानोगे कैसे, चतुर्भुज होता क्या है, और चतुर्भुज के शीर्ष, भुजा और संख्या, कोणों की संख्या बराबर होती है, और जो चार होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका कि चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जितने बच्चे हो सभी लोग सबसे पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओ आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं, जल्दी से लेकर मुझे बताओ। तो यहां पर देखो कितने प्रकार के चतुर्भुज है, एक दो तीन चार पांच छः, तो हमें इतने छह तरीके के चतुर्भुज को पढ़ना है, छह तरह के चतुर्भुज को पढ़ना है, तो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले क्या कर रहा हूं, इसके नाम आप लोग एक एक बार पढ़ लो और अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है ना, क्या क्या है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, और पतंग हमें पढ़ना है यानी काइट। तो सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर चार आकृतियां आपको दिख रही है, इसमें से कौन सा चतुर्भुज नहीं है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो जो चतुर्भुज नहीं है उसे ही पहचानना है आपको, और इसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड मिलेगा आपको। काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपके पास समय काफी कम है, सिर्फ 15 सेकंड है, तो इसको आपको कॉपी और पेन से सॉल्व नहीं करना, बस आपको देखना है और आपको समझ में आ जाएगा। और आंसर सभी लोग करें, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, पूरा
पोल सेक्शन में जाए और आंसर करो जल्दी से। आखिरी 5 सेकंड और है, 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में बस पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आप चैट में आंसर भी लिख सकते हो। चलो, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो जैसे ही मैं सभी ऑप्शंस को देख रहा हूं तो साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, चार भुजा से बंद आकृति है ना। तो हम ये सभी को क्या कहेंगे, ये भी चतुर्भुज है, यह भी चतुर्भुज है और यह भी चतुर्भुज है। अब अगर ऑप्शन डी को मैं देखूं तो ऑप्शन डी में मुझे दो भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिख रही है। तो अगर दो भुजा एक दूसरे को काटते हुए जाए तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, यह एक बहुभुज नहीं है। ठीक है, यह बहुभुज नहीं है, और जब बहुभुज नहीं है तो यह एक चतुर्भुज भी नहीं हो सकता, है ना। तो यह चतुर्भुज भी नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन डी ही सही आंसर है, यह एक चतुर्भुज नहीं है, है ना। इतना समझ में आ गया, तो अब तक आपने चतुर्भुज पहचानना सीख लिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, है ना। देखो, अभी अभी आपको ये बताया गया कि हम लोग एक एक करके सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो उन चतुर्भुज को पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर आपके लिए काफी आसान होगा चतुर्भुज को सीखना, है ना। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला चीज क्या है, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला। मान लो अगर मैं कोई इंसान इस तरीके से खड़ा है जिसका फेस यानी चेहरा इस दिशा में है, अब कोई इंसान इस तरीके से खड़ा है जिसका चेहरा इस दिशा में है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों इंसान एक दूसरे के आमने सामने है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। बिल्कुल, ये दोनों आमने सामने है, मतलब इसे क्या कहेंगे, सम्मुख है, एक दूसरे के सम्मुख है। तो सम्मुख का मतलब समझ में आ गया, आमने सामने। तो अगर आमने सामने तो सम्मुख भुजा क्या होगा, दो भुजा जो आमने सामने का भुजा है उसे ही सम्मुख भुजा या अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो अगर मैं इस वाले चतुर्भुज को देखूं तो आप लोग ये बताओ, एडी के सामने कौन सी भुजा दिख रही है। अगर मैं पूछ रहा हूं एडी के सामने की भुजा, तो चैट में जल्दी से लिख के बताओ, एडी के सामने, तो एडी के सामने आपको दिख रहा है बीसी, है ना। तो मैं कहूंगा एडी और बीसी क्या है, सम्मुख भुजा है। ठीक है, एडी और बीसी सम्मुख भुजा है। चलिए, इसी तरीके से मुझे ये बताओ, अगर मैं सीडी ले लूं तो सीडी के सम्मुख भुजा कौन सी है, सीडी के सम्मुख भुजा कौन सी है। अच्छा, अजय, अजय के नाम से जो बच्चा है अपना माइक आप बंद कर दो। तो सीडी के सामने ये भी भुजा है ना। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है, सीडी और ये भी क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा होगा, सीडी और ए भी सम्मुख भुजा है और एडी और बीसी सम्मुख भुजा है। ये समझ में आ गया, सम्मुख भुजा तो काफी आसान है देखना। अब अगर सम्मुख भुजा पहचान ली तो सम्मुख कोण भी आप पहचान सकते हो। आमने सामने के कोण को क्या कहेंगे, सम्मुख कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोण डी, कोण डी के सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी का सम्मुख कोण बताओ, कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा। अच्छा, ध्यान से देखकर बताओ, कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी के सामने कौन सा कोण है। तो कोण डी के सामने मुझे ये दिख रहा है, सामने देखोगे बिल्कुल सामने की तरफ, है ना। तो एसी को नहीं बोलेंगे, ये दोनों को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझो, यहाँ पर आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर काफी लोगों के आंसर गलत आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कभी भी सम्मुख कोण पूछा जाए, मान लो अगर डी का पूछ रहा हूं तो डी के सम्मुख आपको सामने ऐसे देखना है, है ना। तो डी और बी क्या होगा, सम्मुख होगा, डी और बी, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया, अब समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, सम्मुख कोण कौन सा होगा। हाँ, अब आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, है ना। तो कोण ए के सम्मुख कोण कोण सी होगा, ठीक है, कोण सी होगा।
बिल्कुल इसी तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दूं, ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओगे, अगर मैं एक्स वाई जेड एम नाम दे दूं, तो ये मुझे बताओगे इस वाले चतुर्भुज में कोण एक्स के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण एक्स के सम्मुख कोण कौन सा है, चैट में लिखकर बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। कोण एक्स और जेड सम्मुख हो जाएंगे और कोण वाई और कोण एम सम्मुख कोण हो जाएंगे, है ना। तो सम्मुख कोण इस तरीके से आपने देख लिया। चलिए अब आसन्न भुजा देखते हैं। आसन्न भुजा क्या है? अच्छा, ये सारे क्या है, टर्म्स है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग आगे यूज कर पाएंगे। तो आसन्न भुजा क्या होती है? अच्छा, आसन्न आप सभी ने नाम सुना है या नहीं सुना है? सभी लोग बस इतना बताएंगे, आसन्न नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना है, ठीक है, कुछ लोग नहीं भी सुने। तो अगर आपने शुरू से क्लास की होगी तो आसन्न कोण पढ़ाया गया था। आसन्न कोण पढ़ाते समय ये बताया था कि पड़ोस वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं, ना। तो वो सारी चीजें एक बार रिवीजन भी आप सभी को करते रहना है ना। तो रिवीजन करोगे तभी सारी चीज याद रहेगी। तो आसन्न का मतलब पड़ोस, है ना। तो आसन्न भुजा किसे कहेंगे? तो दो तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, है ना। एक तरीका जो सबसे आसान है मैं वो बता रहा हूं। तो बिल्कुल आसान तरीका से आप क्या देखोगे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एडी का भुजा, एडी का आसन्न भुजा मुझे बताओ, तो आप कहोगे इसके सम्मुख जो भुजा है, इसके सम्मुख कौन सी भुजा है, बीसी। सम्मुख भुजा तो अभी आपको पढ़ाया गया, तो बीसी को आप छोड़ दोगे। बीसी को छोड़कर, ध्यान देना, बीसी को छोड़कर जो भी आपके पास और दो भुजा दिख रही है, सी डी और ए बी, देखो ये दोनों बगल बगल में है ना, ए डी और सी डी क्या है, पास में है, तो आसन्न हो गए, पड़ोस हो गए। तो ए डी और ए बी क्या है, पास में हो गए तो पड़ोस हो गए, है ना, तो आसन्न हो जाएगा। तो ए डी के आसन्न भुजा दो होंगी, एक हो जाएगा सी डी और एक हो जाएगा ए बी। इतना समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया, आसन्न भुजा आप कैसे पहचानोगे? फिर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा। चलो अगर ये आ गया तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ए बी का पूछ रहा हूं, तो ए बी का आसन्न भुजा मुझे बताओ, दो भुजा होगी, तो मुझे बताओ कौन सी दो भुजा आसन्न भुजा है ए बी की। ए बी की एक आसन्न भुजा कौन सी है? चलिए अब सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो सी डी लिख रहे हो अनिल कुमार, सी डी जो भी लोग लिख रहे हैं, सी डी तो सम्मुख भुजा हो गई ना, ए बी के सम्मुख भुजा सी डी हो गई, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, जब भी आपसे आसन्न भुजा पूछा जाए तो ए बी के सम्मुख भुजा को छोड़ दोगे, ये वाले को छोड़ देना है ना। तो इसको छोड़कर बाकी जो भुजा आपको दिख रही है ए बी सी और ए डी, ये दोनों आसन्न भुजाएं हो जाएंगे, बी सी और ए डी, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? सी डी नहीं होगा, सी डी काफी लोग का आंसर आ रहा है। सी डी कैसे आ रहा है आंसर? सी डी तो सम्मुख भुजा है ना ए बी का। अच्छा ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन करो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बीसी के आसन्न कोण के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, तो दो आसन्न कोण बताएंगे। तो दो आसन्न कोण होंगे, तो क्या करेंगे, इसके सामने जो भुजा है बीसी के सम्मुख भुजा देखेंगे, ये वाला है ना, तो इसको छोड़ देना है। सिंपली सोचना है, सम्मुख भुजा को छोड़ के बाकी जो भी दो भुजा आपको दिख रही है सी डी और ए बी, तो चतुर्भुज में आपको ऐसा करना है, ठीक है। चतुर्भुज में आपको इसी तरीके से करोगे, अगर मैं सी बी ले रहा हूं तो सी डी और ए बी, ये दोनों हमारा आसन्न भुजा हो जाएगा। अब बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को, है ना।
अच्छा, मेरी स्क्रीन अगर नहीं दिख रही है, हो सकता है मेरी स्क्रीन कुछ देर के लिए आपको नहीं दिखे, फिर से दिखने लगेगी, है ना? फिर से मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखने लगेगी। अगर फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगी तो आप लोग चैट में लिखकर बताओगे। अगर फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, दिखने लगे फिर से। चलो, तो यहाँ पर सारा लिख रखा है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये भी कि अगर मैं आसन्न भुजा बोलूं तो BC और AD हो जाएगा। ठीक है, अगर BC के आसन्न भुजा की बात करी जाए तो AB और CD हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो, है ना? तो अगर मैं कोई भी एक, आपको पहचानना कैसे है, जिसकी भी आसन्न भुजा आपको चाहिए उसके सामने वाले भुजा को छोड़कर बाकी जो भी दो भुजा है उससे लगी हुई उनको आप ले लोगे, आसन्न भुजा हो जाएगा, है ना? चलो, अब अगर आसन्न भुजा समझ गए तो आसन्न कोण को समझते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है ना? अब ध्यान से देखिएगा, आसन्न कोण जब पिछले बार पढ़ाया था तो वो अलग चीज था, वो आसन्न कोण कोण के प्रकार में पढ़ाया था, है ना? यहाँ पर चतुर्भुज में आसन्न कोण आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चतुर्भुज के आसन्न कोण की बात की जा रही है। ठीक है, वो आसन्न कोण कोण के प्रकार में पढ़ाया गया था, ये चतुर्भुज में आसन्न कोण आप कैसे पहचानोगे? तो चतुर्भुज के आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? फिर से उसी तरीके से आपको करना है। अगर मैं कोण ए के आसन्न कोण की बात करूं तो कोण ए का आसन्न कोण क्या होगा? कोण ए के सम्मुख कोण मुझे बताओ सबसे पहले, कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है ये बताओ। कोण ए के सम्मुख कोण कौन सा है? वेरी गुड, ये तो आपको पता है, कोण ए के सम्मुख कोण सी है। तो इसको छोड़कर, इसको छोड़ देना है। जब भी आपसे आसन्न पूछा जाए, सुनिए ध्यान से मेरी बात, अगर आसन्न पूछा जाए तो इस वाले को छोड़ देंगे सामने वाले को, और बाकी डी और बी को हम लोग लेके बोलेंगे कोण बी और कोण डी आसन्न भुजा है। कोण ए का आसन्न भुजा कोण बी और डी होगा। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, यहाँ पर जब आंसर आपको करना है, आप अगर डी बी लिख दोगे, है ना, अगर आप डी बी लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। डी बी तो इसका एक लाइन हो जाएगा ना, डी बी तो एक लाइन हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप अगर इस तरीके से नहीं लिखोगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोण डी कोण बी। और अगर आप ऐसे टाइप नहीं कर पाते, कोण का मान नहीं लगा पाते, तो आपको ऐसे आंसर करना है, डी कॉमा बी, ऐसे आंसर करोगे। डी बी लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए, अब बताओ कोण बी का आसन्न कोण बताओ। दो आसन्न कोण होंगे, दोनों ही के नाम बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, फिर कोई बच्चा AC लिख रहा है, ऐसे ऐसे आप लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, कॉमा आपको देना पड़ेगा, A, C। ऐसे तो क्या किया आपने, कैसे किया आपने? B के सामने वाले को देखा, इस वाले को छोड़ देना है, और बाकी C और A इसका आसन्न कोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण C और कोण A। ये समझ में आ गया? चलो, अब बताओ कोण डी का, जल्दी से एक लास्ट बताओ, कोण डी का आसन्न कोण बताओ, दोनों आसन्न कोण बताओ। अब आपका आंसर सही आ रहा है, सामने वाले भुजा को छोड़ देंगे बाकी सी और ए को ले लिया जाएगा, तो ए और सी होगा आसन्न कोण। तो कैसे बोलेंगे हम लोग? इस तरीके से बोलेंगे कोण डी का आसन्न कोण कोण ए और कोण सी है ना, इस तरीके से आप लोग बोलोगे। तो यहाँ पर जो भी चीज आपको पढ़ाया गया वह एक साथ लिखा गया है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना? मैं 5 तक गिनती गिनता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब हमें अगला क्या पढ़ना है, विकर्ण यानी डायगोनल। तो देखते हैं विकर्ण या डायगोनल क्या होता है। क्या लिखा है? आमने सामने के शीर्षों को क्या कहते हैं? सम्मुख शीर्ष।
मिलाने वाले रेखाखंड को ही विकर्ण कहते हैं। तो यह तो काफी आसान है। इस तरीके से अगर मैं कोई चतुर्भुज बनाऊं, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया, ABCD, या विकर्ण कौन सा होगा, सम्मुख शीर्ष कौन सा है, तो मैं कहूंगा कोण ए, शीर्ष ए और शीर्ष सी, ये दोनों क्या है, सम्मुख शीर्ष है। तो अगर मैं ए से सी को मिला दूं तो AC को क्या कहेंगे, AC विकर्ण है। क्या है AC, क्या है, विकर्ण है। ये समझ में आया। अच्छा, AC आप ऐसे लिखोगे, ए AC, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे AC, ठीक है ना, AC तो एक रेखा खंड है ना, तो रेखा खंड को आप AC इस तरीके से लिखते हो, रेखा रेखा खंड, ये सब लिखना भी सिखाया गया था, है ना। चलो दूसरा विकर्ण का नाम बताओ, और कोई विकर्ण बनेगा क्या, और अगर बनेगा तो उसका नाम बताओ। इस वाले चतुर्भुज में और भी कोई विकर्ण बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो नाम बताए। हाँ, तो बी और डी भी सम्मुख शीर्ष हैं, और अगर मैं बी डी को मिला दूं तो बी डी को भी क्या कहेंगे, बी डी भी एक विकर्ण है, बी डी भी विकर्ण है। तो ए सी और बी डी विकर्ण होगा, है ना, जो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। चाहे यहां ध्यान दीजिएगा, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे गलत लिख रखा है, ए डी ए सी और बी डी लिखना है, ठीक है, आपको ए सी और बी डी लिखना है, ठीक है, तो ये नहीं लिखना आपको, ए सी और बी डी, है ना, ए सी और बी डी विकर्ण। तो सम्मुख शीर्षक शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, कितने विकर्ण हो सकते हैं, नंबर बताओ, कितने विकर्ण हो सकते हैं। चल, दो विकर्ण हो सकते हैं, वेरी गुड। तो आप सभी को पता है किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण हो सकते हैं, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ, और कोई आप विकर्ण नहीं बना सकते, है ना, तो और कोई भी विकर्ण नहीं बना सकते। तो आपको ये नोट करके रख लेना है, ध्यान देना, किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं, ठीक। चलो अब मुझे ये बताओ, किसी अगर मैं कोई त्रिभुज बनाऊं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, नहीं होते, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो किसी भी त्रिभुज में, इसको भी आप स्टार मार के लिख लो, किसी भी त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, क्योंकि अगर मैं यहां से इसके शीर्ष से किसी भी भुजा को मिला, किसी भी और शीर्ष को मिला दूं तो वो भुजा बन जाए, तो यहां पर विकर्ण नहीं बनेगा। चलिए, आप सभी को पता था, वेरी गुड। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पता है ना, होल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। तो यहां पर ये बताओ कि ABCD में कोण ए का आसन्न कोण, तो आसन्न कोण पहचानना है आपको, कोण ए का आसन्न कोण, अभी अभी आपको पढ़ाया गया। जल्दी से बताओ कोण ए का आसन्न कोण क्या होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई आपको सॉल्यूशन नहीं करना, मतलब पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है। अगर आपने सारे क्लास को ध्यान से सुना है तो आप देखकर आंसर कर पाओगे, तो आपको ये सारे काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर करो, समय काफी कम दिया जाएगा। अब मेरा दस मैथ सेकेंड और, बहुत अब 10 सेकेंड और। अच्छा, माइक नहीं, कौन कोई ऑन करेगा, क्लास के बीच में कभी भी आपको माइक नहीं ऑन करना है, कोई भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखो, जब क्लास खत्म हो जाए फिर आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो कुछ। चलो 5 सेकेंड और दे रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है, आंसर जरूर करने की कोशिश किया करें। चलो,
यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए के आसन्न कोण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा आसन्न कोण होगा। तो अभी अभी आपको कैसे पढ़ाया गया, मैंने देखा कोण ए ये वाला है, ठीक है, तो इसके सामने वाले कोण को, सम्मुख कोण को छोड़ देना है, इस वाले को छोड़कर बाकी जो भी दो बच रहे हैं कोण बी और डी, ये हमारा आसन्न कोण होगा। तो कोण बी और डी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, है ना। अच्छा बी डी आपको नहीं लिखना था, आप अगर बी डी लिखोगे तो फिर से, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप क्या करोगे, लिख दोगे कि हमारा आंसर बी डी है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बी डी तो एक विकर्ण हो जाएगा, है ना, बी डी तो एक विकर्ण हो जाएगा, ये एक विकर्ण है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको आंसर कैसे करना है, कोण बी कॉमा कोण डी, और अभी के लिए टाइप नहीं कर सकते, तो बी और कॉमा डी आप इस तरीके से आंसर लिखोगे। समझ में आ गया, हाँ या ना, इतना समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया। चलो तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी आप लोग आंसर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 82, पी क्यू आर एस में क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर के सम्मुख भुजा आपको बताना है। थोड़ी अच्छा माइक बंद कर दो, पिंकू के नाम से जो बच्चा है, माइक आप बंद रखोगे। तो आप ये देखो क्यू आर के समभुजा कौन सी है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए। सर, इसमें दोनों का बताना है। क्यू आर का बताना है, क्यू आर भुजा देखो, क्यू आर भुजा के सम्मुख भुजा कौन सी है, और कौन से चतुर्भुज को देखोगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है। अब 10 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। दस सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा, 5 सेकंड और है आपके पास। अच्छा संदीप आप माइक बार बार ऑन कर रहे हो, माइक आपको बंद रखना है हमेशा। चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट अब ओपन कर दे रहा हूं ना। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सामने वाली भुजा आपसे पूछी जा रही है, तो अगर मैं भुजा क्यू आर को देखूं तो भुजा क्यू आर मुझे ये वाली दिख रही है ना। अब क्यू आर के सामने की भुजा कौन सी होगी, अब देखो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी एस, पी एस हमें दिख रही है पी क्यू आर एस में सामने की भुजा, तो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा ये दो लाइन क्यों दिया गया है, ये पी आर और क्यू एस, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया था इस क्वेश्चन में, पी आर और क्यू एस बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया था। आपको जब भी बोला जाए कि चतुर्भुज की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले मैं चतुर्भुज को बना लेता हूँ, तो कौन से चतुर्भुज की बात कर रही है, पी क्यू आर एस, ये वाला है ना। अब बस इस जो लाइन को मैंने बनाया, इसमें आप देखो बीच वाले इस सारी भुजा को भूल जाओ, तो क्यू आर के सामने कौन सी भुजा है, पी एस, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया या नहीं आया सभी को, इतना समझ में आया या नहीं आया। काफी आसान था ये सारा चीज, तो अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी चतुर्भुज के कोणों का योग गुण, तो आप सभी को पिछले क्लास में बताया गया था कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर मैं कैसा भी चतुर्भुज बनाऊं, अब मैं इसके चारों कोणों को जोड़ दूं, 1, 2, कोण 3, कोण 4, तो कितना होगा,
सभी कोण को आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री मिलेगा, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट करके स्टार मार के इसको याद रखना है। तो किसी भी चतुर्भुज में क्या कह सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यहां पर कितना लिखेंगे, 360 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो ये सभी कोणों को आप अगर जोड़ोगे तो आपको 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कोई भी तीन कोण दे दिए जाएंगे और चौथे कोण का मान आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें से कोई भी तीन कोण आपको दे दिया जाएगा और चौथे वाले कोण के मान आपसे पूछ लिए जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी चतुर्भुज में उसके सभी कोणों के योग कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। याद हो गया या नहीं याद हो गया, याद रखना है सभी को। अच्छा, त्रिभुज में उसके सभी कोणों के योग कितने होते हैं, चैट में लिखकर बताओ, त्रिभुज का याद है कि नहीं आपको। किसी भी त्रिभुज में उसके सभी कोणों के योग कितने होते हैं, चलो वेरी गुड। तो त्रिभुज की अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, अगर त्रिभुज की बात की जाएगी तो इसके सभी अंतः कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं। अगर चतुर्भुज की बात की जाएगी, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो, तो उसके सभी कोणों के योग 360 डिग्री होंगे। अगर पंचभुज की बात की जाएगी तो पंचभुज के योग तो 540 डिग्री होंगे, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है। तो आपको बस ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद हमेशा दो रखना है, हमेशा 180 डिग्री और 360 डिग्री त्रिभुज के लिए और चतुर्भुज के लिए। चलिए, ये सारी चीजें याद समझ गए तो ये क्वेश्चन काफी आसान है आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। अभी अभी मैंने आपसे बोला कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी भी चतुर्भुज में तीन कोण दे दिए जाएंगे, चौथे कोण का मान आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ये बताना है कि चतुर्भुज वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स का माप क्या कितना होगा, कोण एक्स का मान बताओ। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये पता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आपके लिए काफी आसान क्वेश्चन है। पांच सेकेंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकेंड और है, 5 4 3 2 1। अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो, अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो। तो यहां पर क्या लिखा गया, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स का मान बताएं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, चार कोण है, ये चतुर्भुज है। अब मैं अगर इस तरीके से लिखूं, कोण डब्ल्यू प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, तो सभी के योग कितने होंगे, सबसे पहले मुझे ये बताओ यहां पर कितना लिखना चाहिए। पहले ये बताओ कि मुझे सभी कोणों को जोड़कर कितना मिलेगा, बिल्कुल 360 डिग्री मिलेगा, है ना। अब जिसके जिसके भी मान पता है, आपको दिख रहा है कोण डब्ल्यू का मान 110 डिग्री, सभी के मान रख दो और इस समीकरण को आप सोल्व कर दो, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो कोण वाई का मान 120 डिग्री है, कोण जेड का मान देखो, कोण जेड का मान 70 डिग्री है, मैंने 70 डिग्री रख दिया। अब अगर 110, 120 और 70, ये मुझे बताओ इन तीनों को आपने जोड़ा तो कितना मिला,
इन तीनों को जोड़ा तो कितना मिला? 110, 120 और 70, इन तीनों को जोड़ा तो आपको 300 डिग्री मिला। वेरी गुड, चलो 360 डिग्री। यहां से कोण एक्स का मान बिल्कुल आपने निकाल लिया, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री यानी 60 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा? कोण एक्स का मान 60 डिग्री होगा सही आंसर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन आ गया सभी को? जब ये आ गया तो फिर से क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ये बोला गया है किसी भी चतुर्भुज में उसके सभी कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण का मान बताएं। तो यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं तो सभी कोणों के मान बताएं। यह भी काफी आसान क्वेश्चन। तो ये बताओ, चतुर्भुज में सभी कोण अगर बराबर है तो सभी के मान बताओ। चलो 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड है। 10 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा और चैट को ओपन कर दूंगा, ठीक है? और पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पांच सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट अब ओपन है। अगर कोई भी डाउट हो या आप आंसर भी चैट में लिख सकते हो। चल, यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं तो सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। अब देखो, मुझे ये नहीं पता, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये नहीं पता अभी कि सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, तो मैं किसी भी तरीके से एक चतुर्भुज बना देता हूँ, है ना? किसी भी तरीके से मैंने अभी एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है? अब क्या कह रहा हूँ कि सभी के मान बराबर है ना, कोण ABCD। अब सभी को मैंने क्या कर दिया, सभी के मान बराबर है तो सभी को एक्स लिख दिया, सभी को एक्स लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सभी को अगर जोड़ू तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, तो ये तो आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया आपको 360 डिग्री होंगे। अब सभी के मान बराबर है और सभी एक्स के बराबर है तो सभी को मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है? अब एक्स को अगर चार बार जोड़े तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 4x होगा, है ना? ये तो आपने बीजगणित या अलजेब्रा में पढ़ा है। और यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 360 डिग्री बटा 4 यानी 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब आंसर देख के मुझे पता चल रहा है कि अच्छा, हमारा जो चतुर्भुज होगा वह ऐसा तो नहीं बनेगा। हमारा चतुर्भुज कैसा बनेगा, हमारा चतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा, है ना, जिसके सभी कोण 90 डिग्री होंगे, है ना? तो हम कहेंगे कि कुछ चतुर्भुज ऐसा बनेगा, सभी कोण इसके 90 डिग्री, है ना? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो भी चतुर्भुज होगा यह क्या हो सकता है, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है अगर ए लिखना, अगर यह चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। अगर बी लिखना, अगर यह एक वर्ग हो सकता है। और सी लिखना, अगर यह दोनों हो सकता है, ठीक है?
अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, होमवर्क नोट करेंगे उसके बाद ही क्लास छोड़कर जाएंगे, अभी काफी समय बचा हुआ, दोनों हो सकता है। वेरी गुड। तो ये जो भी चतुर्भुज होगा या वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, कि अगर आपको ये ध्यान देना है कोई भी चतुर्भुज में अगर चारों कोण 90 डिग्री के बराबर है तो वो एक वर्ग होगा या फिर आयत होगा। क्लास 7 बजे 8 बजे खत्म होगी, 7 से 8 आपकी क्लास चलती है। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्लास छोड़कर जा सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो यहां पर देखो, त्रिभुज एबीसीडी में कोण डी का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो आप ये बताओ कि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी का मान कितना होगा। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी का मान कितना होगा? आप सभी कोणों को देखे, कोणों के योग अगर आपको पता है आप ट्राई करो, आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, आंसर सभी के नहीं आ रहे, सभी लोग आंसर करें, अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए, तो कम से कम आप लोग ट्राई जरूर किया करो आंसर करने का। आंसर सही हो या गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर करना जरूर है। और आप लोग का आंसर सबमिट तभी होता है जब आप पोल सेक्शन में आंसर करते हो, अगर आप चैट में आंसर लिखते हो तो आपका आंसर सबमिट नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आंसर सबमिट करने के लिए पोल में ही आंसर देना होगा, चैट के लिए तो मैं इसलिए बोलता हूँ जिनका पोल नहीं आता वो चैट में आंसर कर दे, है ना? अदरवाइज आपको पोल में आंसर जरूर करना है, अदरवाइज आपके स्कूल में जब देखा जाएगा तो ये पता चलेगा कि आपने एक भी आंसर नहीं किया, है ना? अगर चैट में आप आंसर कर भी रहे हो तो भी आपका आएगा कि आपने आंसर नहीं किया है ना? तो इसलिए कहता हूं कि हमेशा पोल में आंसर जरूर करें। चलो अब मैं पोल को 5 सेकंड में एंड कर रहा हूं, 5 सेकंड और है आपके पास, 5 4 3 2 1, अब समय समाप्त है ना? अच्छा, यहां पर देखो, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी की मान आपको ज्ञात करनी थी, तो अगर मैं देखो इस चतुर्भुज को तो चतुर्भुज एबीसीडी कौन सा है, तो चतुर्भुज एबीसीडी मुझे ये दिख रहा है ए बी, फिर मैं बी से सी की तरफ गया, बी से डी की तरफ आया और डी से ए की तरफ आया। अब मुझे ये बताओ कि यह कोण कितने डिग्री का होगा, जिसे मैं अभी हरे कलर का बनाया हूं, यह कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? बिल्कुल, यह 90 डिग्री का होगा क्योंकि यहां पर लंब का साइन है, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भी अगर नहीं पता, तो अगर मैं कोई भी दो लाइन इस तरीके से बना दूं, तो अगर एक तरफ इधर 90 डिग्री बन रहा है, अगर लंब है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा क्योंकि पूरा कोण 180 डिग्री होता है ना, तो लंब होगा तो दोनों ही तरफ 90 डिग्री बनेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमें एबीसीडी में तीन कोण के मान पता चल गए, एक 90 डिग्री, एक 100 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो हर बार की तरह क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब जिनके जिनके मान आपको पता है 90 डिग्री, कोण बी का मान आपको पता है 100 डिग्री, कोण सी का मान आपको पता है 60 डिग्री, और कोण डी का मान हमें नहीं पता,
मैंने किसी तरीके से लिख दिया। अब 90, 100 और 60, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, कितना मिलेगा ये बताओ। 90, 100 और 60 को अगर जोड़े तो आपको कितना मिला ये मुझे बताओ। 260 नहीं मिलेगा, 250 मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर 250 होगा। 250 प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब यहां से कोण डी के मान तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, यहां से 110 डिग्री मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चलो अब ये मुझे बताओ कि आज के क्लास में सारी चीज समझ में आई या नहीं आई। आज के क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वाई या एम लिखकर बता सकते हो। अगर वाई सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे। चलिए चलो अब ये मुझे बताओ, आप सभी को बुक मिल गया या नहीं, सभी के पास बुक है या नहीं।